दोस्तों आप पैदल हज को जा रहे हैं शिहाब भाई के बारे में जानते ही हैं। शिहाब को अपने घर केरला से मक्का हज के लिए निकले हुए आज 114 दिन हो जाएंगे। शिहाब के चाहने वालों में काफी लोग खास तौर पर जुमे के दिन इस बात के इंतजार में रहते हैं कि शिहाब चतुर जुमा की नमाज कहाँ पढ़ेंगे। और अभी चूंकि वो पंजाब में ठहरे हुए हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब ही ठहरे हुए हैं, इसलिए ये बात भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि शिहाब आज पाकिस्तान में भी दाखिल हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में उन्हीं दो बातों के बारे में आपको सही जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों आज 23 सितंबर जुमा का दिन है। शिहाब के घर से निकले हुए 114 दिन हो चुके हैं। अभी कल तक शिहाब चतुर पंजाब के तरन तरन जिला की मरकजी मस्जिद में ठहरे हुए थे और 3 दिन से वो वहीं पर ठहरे हुए हैं और कल उन्होंने किसी तरह का कोई सफर नहीं किया था और आज भी वो उसी मस्जिद में ठहरे हुए हैं और आज आखिरी जुमा की नमाज भी पंजाब की उसी मरकजी मस्जिद में पढ़ेंगे जो वही तरन तरन में वाकई है। उसके बाद वो आगे सफर पर निकलेंगे और वो मस्जिद वाघा बॉर्डर से इतनी दूरी पर है कि आज पूरे दिन सफर भी करेंगे फिर भी वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पार करने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए। इसका मतलब यह है कि आज वो पाकिस्तान में दाखिल होने वाले नहीं हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।